नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लैपटॉप लॉबी में। अभी जो लैपटॉप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है नाइट्रो 5। नाइट्रो 5 का i7 11th जनरेशन 11800H दोस्तों अपने स्टॉक में आ गया है। सो अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये जो प्रोसेसर अभी आया है ये 11th जनरेशन के साथ लॉन्च हुआ है, 11800H के साथ। इसमें आपको 16GB की रैम मिलेगी, 1TB का पूरा आपको इसमें हार्ड डिस्क मिलेगा, 256GB की SSD मिलेगी और जो ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है इसमें आपको वो RTX 3060 ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अगर इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको वही 144Hz का सेम मिलेगा, 4 जोन आपको RGB कीबोर्ड मिलेगा। अगर इसकी कूलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो कूलिंग के लिए इसमें आपको पीछे की तरफ 4 वेंट्स मिलेंगे। सो ये एक वेंट आपका ये होगा, एक ये यहाँ पर आपका ये चार्जिंग पोर्ट होगा। देख लेते हैं साइड में क्या मिल रहा है। साइड में आपको एक वेंट आपको ये मिल रहा है यहाँ पर गर्म एयर को बाहर निकालने के लिए। ये 2 पोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये 3.2 के USB पोर्ट और ये आपको यहाँ पर हेडफोन का मिल रहा है। इस लैपटॉप में एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आप वाईफाई और लैन दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर कनेक्टिविटी। अच्छी कनेक्टिविटी के लिए आप इसमें दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ये नाइट्रो सेंस का बटन दिया है इससे आप कूलिंग सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं, जीपीयू का अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं ये अभी ऑटो पर चल रहा है, मैं इसको अगर मैक्स पे करता हूँ तो इसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से वो बाहर आ रही है। ठीक है गाइस, ये यहाँ से आप अपना RGB मैनेज कर सकते हैं, कौन सा जोन आपको कहाँ पे रखना है वो इससे आप मैनेज कर सकते हैं। और ये जो मेन हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे कूल बूस्ट सिस्टम, ये देखिए ये कूल बूस्ट, अगर आप ये ऑन कर देते हैं तो इसके अंदर जो हीट पाइप्स हैं वो गर्म एयर को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बड़ी ही कमाल की एक टेक्निक है एसर की कूल बूस्ट सिस्टम। बात कर लेते हैं इसके अपग्रेडेशन की, अपग्रेड ये कहाँ तक हो जाएगा। तो एसर ऑफिशियली तौर पे इसको 32GB तक रैम बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 2TB तक हार्ड डिस्क बढ़ाने के लिए बोल रहा है और 1TB तक इसका आप SSD बढ़ा सकते हैं। रिफ्रेश रेट वही एज यूजुअल 144Hz का मिल रहा है, कुछ खास नहीं है। हालांकि अभी मोस्ट ऑफ लैपटॉप्स में 165 तक का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा विद WQHD डिस्प्ले, WUHD डिस्प्ले, बहुत सारी नई टेक्निक डिस्प्ले आ गई हैं। और अगर देखा जाए अभी 5600H के साथ, राइजन 5600H के साथ भी RTX 3060 आ रहा है, आपका i7 के साथ भी 3060 आ रहा है। तो चॉइस इज योर गाइस, आपको जो पसंद आया आप वो लीजिए। मेरे पास आपको i7 11th जनरेशन जो 11800H है, ओक्टा कोर प्रोसेसर है, वो आपको मिल जाएगा। राइजन 5600H के साथ अगर जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा। अगर लुक एंड डिज़ाइन देखेंगे गाइस तो लुक एंड डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा ही है, जैसे प्रीडिएटर का आता है सेम वही है। ठीक है, मतलब जैसे टफ गेमिंग वगैरह या फिर ROG आते हैं, कुछ उस तरह का नहीं है जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा ही हो जाता है थोड़ा सा। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ा अच्छा लगता है डिज़ाइन इसका। तो इसको आप बाय कर सकते हैं, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह, आप वहां से मुझे कॉन्टैक्ट करिए। और ट्रस्ट मी गाइस, जो प्राइस मैं आपको दे दूंगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और प्राइजेस वगैरह आपको अच्छे लगे मेरे शॉप के, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज और ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।